अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 क्लास 10 4.2D पढ़ेंगे। हमने पार्शियल फ्रैक्शन शुरू की हुई थी, तो इसमें भी कहता है रिजॉल्व बाय पार्शियल फ्रैक्शन। हमने इससे पहले इसके तीन केस देखे थे, एक लीनियर रिड्यूसेबल और एक क्वाड्रेटिक। आज हमारा क्वाड्रेटिक रिड्यूसेबल आ जाएगा, ठीक है जी। इसमें ये होता है कि एक तो इंटरनल पावर होती है और एक इसकी होल पावर भी होती है, ठीक है जी। दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, एक इंटरनल पावर होगी वेरिएबल की और एक होल की पावर होगी। लेटर्स हमने वही स्टार्ट लेने हैं ए से, बट इस इंटरनल पावर की वजह से, इंटरनल में क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक होने की वजह से हम ए के साथ क्या लगाएंगे, एक्स प्लस सेकंड लेटर बी डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस 3, यानी नीचे जो भी होगा हम वो लिख देंगे। फिर हमने देखा कि जो क्वाड्रेटिक तो थी बट क्वाड्रेटिक के साथ रिड्यूसेबल भी थी। अब रिड्यूसेबल कब होगी, रिड्यूसेबल तब होती है जब उसकी समथिंग पावर आ जाए, 2 आए 3 आए 4 आए कुछ भी आए, जितनी पावर आएगी उतनी दफा हम उसको लिखेंगे। क्वाड्रेटिक हो गई है इंटरनल पावर की वजह से, रिड्यूसेबल होगी होल की पावर की वजह से। अब होल पावर कितनी है, 2 है, तो बी के साथ सेकंड लेटर क्या आता है, बी के बाद सी आता है, तो सी एक्स प्लस डी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल का स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी हमारी। अब हम लिखेंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय, वही सेम प्रोसेस पीछे वाला, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये सारे का सारा इसके साथ कट जाएगा, तो यहाँ से मैं स्टेप एक शॉर्ट कर रहा हूँ आपको। ये डिटेल में मैंने एक्सरसाइज 4.2A के अंदर और B के अंदर डिटेल में बताया था कि कैसे कैंसिलेशन होती है। अब इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये सारे का सारा कट गया, यहाँ से ए एक्स प्लस बी इंटू, अब देखें ये सिंगल है और ये पावर 2 में है, स्केयर में है, तो एक पावर कट जाएगी और एक रह जाएगी, यानी ये बच जाएगा एक्स का स्केयर प्लस 3। अब यहाँ से बच गया सी एक्स प्लस डी, अब ये भी पावर 2 में है और जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो भी पावर 2 में है, इसका मतलब यहाँ से क्या होगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे और ये चीज़ हमारे पास रह जाएगी। अब हम अगला स्टेप हमारा ये होता है कि हम लीनियर टुकड़ा दे के पुटिंग करते हैं। अब इसमें लीनियर टुकड़ा नहीं है, क्वाड्रेटिक है, हम इसकी जगह जो भी पुट करेंगे, अब देखें ये स्केयर में है, ये उधर जाएगा, फिर स्केयर रूट लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू भी आएगी नेगेटिव वैल्यू भी आएगी। हम क्वाड्रेटिक टुकड़ा जब होगा तो हम पुटिंग नहीं करेंगे, पुटिंग सिर्फ लेट करके जस्ट लीनियर के लिए करेंगे। अब देखें पुटिंग का कोई चांस नहीं है, अब हम इसको क्या करेंगे, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ये सारा एज इट इज आ जाएगा। अब सिंप्लीफिकेशन में देखें ये ए एक्स प्लस बी इस एक्स स्क्वायर प्लस 3 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दे, ए एक्स को करेंगे तो ए एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यूब, ए एक्स 3 जा 3 ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस 3 बी प्लस सी एक्स प्लस डी। अब हमने क्या करनी है, सेम वही पिछला प्रोसेस, जब पुटिंग ना होती हो तो हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं। तो कंपेयरिंग कहाँ से शुरू की जाती है, हाईएस्ट से शुरू की जाती है। हमारे लेटर कितने हैं, 4, तो कंपेयरिंग कितनी होगी, 4 होगी। हाईएस्ट पावर कौन है, तो यहां पे स्टेटमेंट देंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ, हाईएस्ट पावर है क्यूब, पहले हम एक्स क्यूब को देखते हैं, इधर एक्स क्यूब का कौन है 2, उधर एक्स क्यूब के साथ कोफिशिएंट कौन है ए, यानी ए की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 2 आ गई, ए निकल आया। उसके बाद बी सी डी रहता है, क्यूब के बाद किसकी बारी होती है कंपेयरिंग में, उसके नीचे पावर, तो क्यूब के नीचे पावर कौन है 2। अब हम एक्स स्क्वायर वाले कंपेयर करते हैं, इधर मेरे पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू कौन है -3x का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, तो एक्स स्क्वायर के पीछे क्या है 3, बट 3 कौन सा है -3x² है, तो कोफिशिएंट क्या है -3, यहां से -3 आया, उधर से एक्स स्क्वायर वाला देखा तो बी एक्स स्क्वायर था, हमने क्या लिखना है जस्ट कोफिशिएंट लिखना है, तो कोफिशिएंट कौन है बी, तरतीब लगाई तो बी की वैल्यू मेरे पास -3 आ गया। स्केयर के बाद कौन सी कंपेयरिंग चलेगी, एक्स की कंपेयरिंग चलेगी। अब हम देखते हैं इधर एक्स का कौन है जी 2x, तो कोफिशिएंट 2 है,
उधर एक्स का कौन कौन है, थ्री ए एक्स यानी थ्री ए लिखा कोफिशियंट, उसके बाद सी एक्स यानी सी आ गया। तो हम देखेंगे कि ए की वैल्यू ऑलरेडी हम ऊपर निकाल चुके हैं, वो यहां पुट करने से सी निकल आएगा, यानी पुट ए इक्वल टू, तो क्या आ जाएगा टू इक्वल थ्री इंटू टू प्लस सी, टू एज इट इज, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स प्लस सी आ गया। तो आगे हम देखते हैं क्या बनता है जी, नेक्स्ट देखें जो सी सिक्स क्या था प्लस का, तो इधर आगे क्या होगा माइनस का, यानी टू माइनस सिक्स इक्वल टू सी, टू माइनस सिक्स माइनस फोर इक्वल टू सी, तरतीब लगाएं तो सी की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस का फोर। अब देखते हैं हम के लेटर थे ए बी सी डी, मैंने वैल्यू निकाल ली ए की बी की एंड सी की, मेरा रह गया डी। अब हम देखते हैं डी किसके साथ है, तो डी क्या है अकेला है, अकेले का मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ वेरिएबल ना हो, वेरिएबल कौन है इसमें एक्स है, इट मींस विदाउट एक्स क्या है डी, तो डी क्या है कांस्टेंट, यहां पे लिखेंगे एंड कांस्टेंट्स के, अब कांस्टेंट्स को कंपेयर कर लो, कांस्टेंट मतलब विदाउट वेरिएबल, वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है एक्स, तो विदाउट एक्स कौन है यहां पे वन, उस तरफ क्या था ये क्यूब एक्स एक्स स्क्वायर थ्री बी, विदाउट एक्स है मींस कांस्टेंट है, आगे ये एक्स वाला है और ये अकेला है यानी ये भी कांस्टेंट है। अब यहां पे आप क्या करेंगे वैल्यू बी की पुट कर दें, बी की वैल्यू मेरे पास निकली थी माइनस का थ्री, तो ये बन गया वन इक्वल थ्री इंटू माइनस थ्री प्लस डी, नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा वन इक्वल टू थ्री थ्री जा नाइन प्लस डी। अब देखें बेटा ये नाइन कौन सा है माइनस का, तो इधर आके क्या होगा प्लस, यानी ये बन जाएगा वन प्लस नाइन इक्वल टू डी, ये बन गया। अब इनको प्लस करें तो वन प्लस नाइन क्या आता है टेन इक्वल डी, तरतीब लगाएंगे तो डी इक्वल टू टेन आ गया। अब देखें तमाम वैल्यूज निकल चुकी हैं, ये सारी वैल्यूज क्या करेंगे इक्वेशन नंबर वन के अंदर पुट कर देंगे, यानी हम स्टेटमेंट देंगे पुट ए इक्वल टू टू बी इक्वल माइनस थ्री सी इक्वल माइनस फोर एंड डी इक्वल टेन इन इक्वेशन वन। वन क्या थी टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस थ्री होल का स्क्वायर इक्वल टू किसके था, हमने देखा ए एक्स प्लस बी, तो ए की वैल्यू पुट करें, ए कितना था टू एक्स प्लस बी, बी कितना था माइनस का थ्री, डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री। आगे मैंने देखा प्लस आ रहा है प्लस एज इट इज देन सी एक्स, तो सी की वैल्यू मेरे पास क्या थी माइनस फोर एक्स प्लस डी, डी कितना था टेन डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, अब इसको मजीद करें सिंपल, प्लस माइनस माइनस थ्री डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री। अब बेटा यहां से अगर आप इसको अरेंज करके लिखना चाहें, माइनस कॉमन उठाते हैं तो फिर क्या बनता है, अब अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं ठीक है जी, तो ये प्लस माइनस माइनस, यानी अब जब इस माइनस को मैं करने लगाऊं डायरेक्ट बाय लाने लगाऊं, तो इस माइनस ने क्या करना है, जब माइनस कॉमन आती है तो माइनस अंदर साइन चेंज करता है, तो ये आ गया फोर एक्स एज इट इज माइनस प्लस माइनस टेन डिवाइडेड बाई एक्स का स्केयर प्लस थ्री होल का स्केयर, और यहां पे भी क्या था होल का स्केयर, ठीक है जी। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यानी ये हमारी 4.2 डी जो चैप्टर नंबर 4 का पार्शियल फ्रैक्शन का लास्ट केस था वो भी हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारी कंप्लीट हो गई, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।